हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन के 20वें मुकाबले में दबंग दिल्ली ने तेलुगु टाइटेंस को 46-26 से बुरी तरह हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में फिर से पहले स्थान पर पहुंच गए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसी मैच से रिलेटेड सारे हाइलाइट्स, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। पीकेएल की पिछले सीजन की विजेता मतलब पीकेएल 8 की विजेता दबंग दिल्ली इस सीजन भी बेहतरीन फॉर्म में है और कोई भी टीम अभी तक उनके सामने नहीं टिक पाई है। नवीन कुमार ने 4 मैचों में 4 सुपर 10 के साथ 50 रेड पॉइंट्स पूरे किए। बात करें इस मैच के पहले हाफ की, तो पहले हाफ के बाद दबंग दिल्ली ने मैच में 24-10 की जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली थी। दबंग दिल्ली ने मैच के 6 मिनट में ही तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट किया और स्कोर 11-2 कर दिया था। इसके बाद तेलुगु टाइटंस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन दबंग दिल्ली ने अपनी एकतरफा बढ़त को कायम रखा। दबंग दिल्ली के कैप्टन नवीन कुमार ने पहले हाफ में 9 रेड पॉइंट्स लिए, वहीं मनजीत ने 4 रेड पॉइंट्स हासिल किए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिल्ली के डिफेंस में कृष्ण ढुल, रवि कुमार और विशाल ने पहले हाफ में 2-2 टैकल पॉइंट्स लिए। तेलुगु टाइटंस की तरफ से पहले हाफ में कोई भी प्रभावित नहीं कर सका और सबसे ज्यादा 3 रेड पॉइंट्स मोनोगयत ने लिए। दूसरे हाफ की बात करें तो दूसरे हाफ की शुरुआत में भी दबंग दिल्ली ने अपना जबरदस्त दबदबा कायम रखा और मनजीत के सुपर रेड के बाद 24वें मिनट में तेलुगु टाइटंस एक बार फिर ऑल आउट हो गई। इस समय दबंग दिल्ली मैच में 30-12 से आगे थी। दूसरे हाफ में ब्रेक से पहले नवीन ने बोनस पॉइंट के साथ अपना इस सीजन का लगातार चौथा सुपर 10 पूरा किया और उसके बाद एक और पॉइंट लेकर ब्रेक के समय टीम की बढ़त को 20 पॉइंट का कर दिया था, मतलब स्कोर हुआ 37-17। ब्रेक के बाद भी दबंग दिल्ली ने तेलुगु टाइटंस को कोई मौका नहीं दिया और 20 पॉइंट्स के अंतर से ही मुकाबला जीता। नवीन कुमार ने मैच में 12 रेड पॉइंट्स लिए और शानदार प्रदर्शन किया। वहीं मनजीत ने 9 पॉइंट्स लिए, मतलब 8 रेड पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट, लेकिन उनका बखूबी साथ दिया। डिफेंस में रवि कुमार ने सबसे ज्यादा मतलब 4 टैकल पॉइंट्स लिए और उनके अलावा विशाल और विजय कुमार ने 3-3 टैकल पॉइंट्स हासिल किए। तेलुगु टाइटंस की तरफ से सिर्फ विनय ही बढ़िया प्रदर्शन कर सके और उन्होंने मैच में 10 पॉइंट्स लिए, मतलब 9 रेड पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट। सिद्धार्थ देसाई ने 6 रेड पॉइंट्स लिए, लेकिन उनका प्रदर्शन ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। तेलुगु टाइटंस का डिफेंस आज के मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहा, मतलब तेलुगु टाइटंस का डिफेंस बिल्कुल भी नहीं चल पाया। सो गाइस, मैच के अंत में स्कोर कुछ इस प्रकार रहा कि दबंग दिल्ली ने स्कोर किए 46 पॉइंट्स और तेलुगु टाइटंस ने स्कोर किए 26 पॉइंट्स और यहां पर तेलुगु टाइटंस की बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और दबंग दिल्ली फिर से एक मैच जीत गई और इसके साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रैंक पर है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।